नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मंथन में आप सभी का स्वागत है। मंथन में आज हम चर्चा करेंगे मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर सड़क से सदन तक हंगामा। बीते कई महीनों से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, जिसको लेकर सड़क से संसद तक हंगामा बरप रहा है। दिल्ली की सियासत गर्म है। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध अब सरकारों के गले की फांस बनता जा रहा है। इसमें मणिपुर हो या राजस्थान या बंगाल, देश के हर हिस्से में बेकसूर महिलाएं सुलग रही हैं। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सरकारें एक दूसरे के राज्यों में हो रहे अपराधों पर आक्रमण कर रही। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत भी हंगामे के साथ हुई। विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर बहस को लेकर अड़ा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष भी कह रहा है कि हम बहस को तैयार हैं, बावजूद इसके सदन में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पा रही। विपक्ष का साफ कहना है कि पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लेकर संसद में बयान दें, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। उधर राज्यसभा में भी इस मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ और आप सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए सदन से स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद संजय सिंह संसद में गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए। उधर राजस्थान भी महिला अपराधों के रिकॉर्डों में देश में अव्वल है। हाल ही में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा को बर्खास्त कर दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि मंत्री गुढ़ा ने कहा था कि राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है। गुढ़ा ने एक तरह से अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे और इस वजह से उनका बयान आग की तरह फैल गया। यहां एक सवाल सबसे बड़ा है, आखिर कैसे और कब इस सियासत के अखाड़े में महिलाओं पर बात होगी? एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत सरकार के सामने एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी समझा जाता है। विपक्ष सरकार के कार्यों और नीतियों पर सवाल उठाता है और उसे निरंकुश होने से रोकता है। संसद में अगर विपक्ष कमजोर होता है तो मनमाने तरीके से सत्ता पक्ष कानून बना सकता है और सदन में किसी मुद्दे पर अच्छी बहस मजबूत विपक्ष के बिना संभव नहीं है। भारतीय लोकतंत्र इस बात का गवाह रहा कि जब भी अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता संसद में बोलते थे, संसद उनकी बातों को संजीदगी के साथ सुनता था और न सिर्फ सुनना बल्कि नीति और योजनाओं को विपक्ष की बहस से धार दी जाती थी, उसे जनोत्थान के लिए बेहतर समझा जाता था। मानसून सत्र के तीसरे दिन आज भी संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष संसद में मणिपुर पर चर्चा और प्रधानमंत्री के जवाब की मांग पर अड़ा रहा। संजय सिंह संसद में मौजूद थे। उसी दौरान चेयर की तरफ से कहा गया कि संजय सिंह तुरंत सदन से बाहर चले जाएं। चेयर की तरफ से कहा गया कि आज आप सांसद संजय सिंह ने जिस तरह हंगामा किया, मजबूरन सदन को उनको निष्कासित करना पड़ा। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर विपक्ष सदन को क्यों नहीं चलने दे रहा? संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वहीं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम मणिपुर पर बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके साथ बिहार में जो लाठीचार्ज हुआ, बंगाल में जो हिंसा हुई, उस पर भी बहस कराने के लिए मैंने नोटिस दिया था और स्पीकर ने उसको स्वीकार कर लिया। सदन के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी दल मणिपुर मणिपुर और मणिपुर जल रहा है के नारे लगा रहे थे। राज्यसभा ने मणिपुर पर संजय सिंह के विशेष उल्लेख अनुरोध को भी खारिज कर दिया था। राज्यसभा सचिवालय ने शुक्रवार को मणिपुर हिंसा पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के विशेष उल्लेख अनुरोध को ठुकरा दिया था। आपके राज्यसभा सांसद ने विशेष उल्लेख की मांग की थी क्योंकि वही मणिपुर की मौजूदा स्थिति पर उच्च सदन में एक नोटिस लाना चाहते थे। सोमवार को महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे इंडिया के 300 नेता जुटे थे। विपक्षी दलों की तरफ से लगातार मांग की जा रही है कि सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दें। एक और जहां राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर नाराज हुए तो वहीं लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला ने भी विपक्ष को शांत रहने की सलाह दी। तो क्या इससे ये साबित नहीं होता कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, उन्हें बोलने से रोका जा रहा है? कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,
हम राज्यसभा और लोकसभा दोनों के अध्यक्षों से पीएम मोदी को सदन में आने और मणिपुर की असल स्थिति बताने की अपील करने का अनुरोध करते हैं। पीएम संसद के कमरों में नहीं आते, वो अपने दफ्तर में बैठते हैं और जारी चर्चा को सुनते हैं। अगर पीएम संसद में मणिपुर पर बयान दे दे तो हम चर्चा कर सकते हैं। आगे हम आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा वो सुनाते हैं। और क्या चल रहा है हम दुनिया को बता देंगे यहाँ सदन के ओर से, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अंदर नहीं आ रहे, ऑफिस में बैठते हैं, सुनते हैं। और आज एक नई बात, मुझे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी मुझे भी फोन किया था, सभी अपोजिशन लीडर को, बालू साहब को किया था, बंडोपाध्याय जी को किया था और हमारे सभी दोस्तों को भी किया था। लेकिन हम उनको यही बोले, भाई क्या होने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर आकर अंदर अगर स्टेटमेंट करे, उस स्टेटमेंट में हम पूरे लोग बहस करेंगे और बहस करने के बाद जो भी फैसला होगा देखेंगे। और 267 ये महत्व का है, क्योंकि 267 में एक घंटा, दो घंटे, चार घंटे, आधा दिन, एक दिन भी बहस चल सकता है। और उस बहस में जो भी निकल के आएगा उसके वोटिंग भी कर सकते हैं, वोटिंग कर, वी कैन वोट ऑन दैट ऑल्सो, बट दे डोंट वॉन्ट दैट। One says half an hour discussion, another says short duration discussion. The problem is not going to solve you with your discussion. First you tell you are representing 140 crores people. मल्लिकार्जुन खड़गे को आप यहां पर सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि नियम 267 की खासियत यह है कि हम एक मुद्दे पर एक घंटा या सारा दिन चर्चा कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि परेशानी ऐसे खत्म नहीं होगी, आप 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप क्यों सदन में नहीं आ रहे, लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बता रहे। इधर देश की संसद में रार बची हुई है, तो वहीं राजस्थान विधानसभा में भी अजीब माहौल देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते हैं कि राजस्थान के मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा को क्यों बर्खास्त कर दिया गया। इन्हें भी सच बोलने या फिर कह लीजिए आईना दिखाना महंगा पड़ गया। महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर शुक्रवार को राजस्थान विधानसभा में हंगामा हुआ था। कांग्रेस के विधायकों ने मणिपुर में महिलाओं को पदवी भीड़ के निर्वस्त कर घुमाने की घटना का विरोध किया था। कांग्रेस के विधायकों ने हाथों में तख्तियां लहराते हुए घटना का विरोध जताया था। इसी बीच अशोक गहलोत सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेरा था। उन्होंने कहा था कि राजस्थान में जिस तरह से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है, ऐसे में हमें मणिपुर के स्थान पर अपने गिरेबा में झांक कर देख लेना चाहिए। गुढ़ा का इतना कहने पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर ने कहा था, सरकार संविधान के अनुच्छेद 164(2) के तहत सामूहिक जिम्मेदारी से चलती है। हमारे संविधान में लिखा है कि सरकार का एक मंत्री बोलता है तो इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही। मंत्री ने अपनी ही सरकार की कलाई खोल दी, मैं उनको बधाई दूंगा, लेकिन ये शर्मनाक बात है। गुढ़ा ने कहा था कि राजस्थान में इस बात में सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में विफल हो गए हैं, जिसके बाद राजेंद्र सिंह गुढ़ा को गहलोत सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। अब आप ये भी जान लीजिए कि राजस्थान विधानसभा में आज क्या हुआ। 3 दिन पहले बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के साथ विधानसभा गेट पर उस समय धक्का मुक्की और वसूली की गई जब वो लाल डायरी के राज खोलने विधानसभा पहुंचे थे। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा था कि उस लाल डायरी को जला दिया था, मगर आज उन्होंने लाल डायरी को लहरा दिया है। इससे अब सवाल उठ रहा है कि क्या वही लाल डायरी या कोई दूसरी। राजस्थान विधानसभा का ये आखिरी सत्र काफी हंगामेदार हो गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा विधानसभा में पहुंचते हैं और विधानसभा अध्यक्ष से बोलने का समय मांगते हैं। समय ना मिलने पर वो अध्यक्ष के आसन के सामने आ जाते हैं और लाल डायरी को दिखाने लगते हैं। इसके बाद सदन में हंगामा होने लगता है, उनके साथ विपक्ष के विधायक भी आ जाते हैं। लाल डायरी दिखाने की मांग जारी रही, मगर उन्हें समय नहीं मिला। इतना ही नहीं, राजेंद्र सिंह गुढ़ा दोबारा सदन में आने की कोशिश करते हैं और उन्हें गेट पर ही मार्च रोक लेते हैं। अब राजेंद्र सिंह गुढ़ा के कांग्रेस पार्टी से निष्कासित होने की भी चर्चाएं तेज हो गई, यहाँ का सियासी माहौल गर्म हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है कि उसे बोलने नहीं दिया जा रहा और जो चाहते हैं वो मोदी जी बोल नहीं रहे हैं। बताना चाह रहा हूं इन सारे लोगों को किस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के ऊपर फिल्में बन रही हैं,
मेरे पास वो डायरी थी, वो डायरी मेरी छीन ली गई। मेरे साथ इन्होंने सारे के सारे 25-50 लोगों ने एक साथ मेरे ऊपर हमला कर दिया। मेरे गुस्से मारे, धक्का मारा, लात मार के मुझे नीचे पटक दिया। और फिर मुझे मार्शलों ने नहीं, मुझे कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने मुझे घेंस के बाहर निकाला। मार्शल तो आए नहीं थे तब तक। और उसके बाद मैं तो सिर्फ यही बात कहना चाह रहा था, हमने अशोक गहलोत जी का चेहरा देख के इनको समर्थन किया था। हम इन्होंने इनकी रिक्वेस्ट पर इनके शामिल हुए थे। गहलोत साहब, वो डायरी का आधा पार्ट आपने आपके विधानसभा में गुंडागर्दी करके मेरे से छीन लिया, और आधा पार्ट मेरे पास अभी और है। इस पार्ट के अंदर आपके सारे काले कारनामे, जो लोगों ने आपने विधायकों को खड़ा, किस किस एमएलए को राज्यसभा में आपने निर्दलियों को क्या क्या दिया, किस किस को प्रलोभन दिया, क्रिकेट के चुनाव में आपने क्या क्या काले कारनामे किए पैसे दे देके, वो सारी चीजें अभी खुलासा मैं आगे भी करूंगा। जिस शख्स को आप सुन रहे थे, ये कोई आम आदमी नहीं है, राजस्थान सरकार के मंत्री रहे हैं, और इन्हें सजा सिर्फ इस बात की मिली कि इन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर दिए। महिला सुरक्षा के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और अपनी आवाज को बुलंद करने की कोशिश की, और बुलंद आवाज को किस तरीके से दबा दिया गया, ये रो रो कर अपना हाल बयां करते नजर आए। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या सदन और संसद में बोलना मना है, क्या वही बोला जाएगा जो सुनने में अच्छा लगे, या वही बोला जाएगा जो जनहित में नहीं होगा, या अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाने पर यह सजा मिलती। चर्चा इसी पर, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीषा अहलावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आरएलडी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद जय तिलक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन जी जुड़ चुके हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अरविंद जी आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि आज ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम कहते हैं कि लोकतंत्र मजबूत तभी होता है जब विपक्ष मजबूत होता है, और ये बात मैं बचपन से सुनती चली आ रही हूँ। लेकिन आज जो हालात हैं और जिस हिसाब से विपक्ष की जो दुर्दशा है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहा है। और विपक्ष में अगर हम संसद की बात करें तो यहाँ पर विपक्ष में कांग्रेस है, लेकिन जहाँ पर सत्ता में कांग्रेस है वहाँ कर अगर हम बात करें तो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने पर आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। आखिर ये किस तरीके से न्याय संगत बातें चल रही हैं सदन और संसद में? यशी जी, देखिए, राजनीति भरोसा पैदा नहीं करती है, सिर्फ मौका देती है, या यूं कहें कि राजनीति जो होती है मौके की मोहताज होती है। अब चूंकि यहाँ पे इसके दो आयाम हैं, एक तो विपक्ष के लिए यह है कि मणिपुर की जो समस्या है, मणिपुर की जो स्थिति है उसको लेकर के वह सत्ता पक्ष पर आक्रामक है, वही दूसरी ओर जो है जो राजस्थान विधानसभा में जो उसी के मंत्री, सरकार के ही मंत्री जो है आईना दिखा रहे हैं सरकार को, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष सत्ता पक्ष पर आक्रामक है। यानी दोनों तरफ से जो है अपने अपने जो है गोलबंदी करके एक दूसरे को नीचा दिखाने, एक दूसरे पर प्रहार करने की ये पूरी कवायद हो रही है। इसमें मौजूद सवाल यह है कि सच्चाई की बाल की तरह होती है, उसे जितना दबाया जाता है उतना ही उछलती है, चाहे वह राजस्थान के विधानसभा में दबाया जाए या संसद जो देश की सर्वोच्च पंचायत है। पहली चीज देखिए, संसदीय परंपरा में जो सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना के तहत अगर सरकार का कोई मंत्री अगर किसी भी संदर्भ में सरकार का पक्ष रखता है तो मान लिया जाता है कि यह पूरी सरकार उस प्रधानमंत्री के भी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, उनकी उनकी भी अभिव्यक्ति को शामिल कर लिया जाता है। तो अगर देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या सरकार का कोई मंत्री मणिपुर की समस्या को लेकर के या जो सरकार का पक्ष है उसको रख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आप इस जिद पर अड़ जाए कि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तभी हम माना जाएगा। दूसरी चीज यह कि जो 267 की बात हो रही है, 267 की, तो यह कोई ऐसा नीतिगत मसला नहीं है जैसे नोटबंदी पर हुआ था। यह एक राज्य की समस्या है, क्षेत्रीय जातीय समस्या है, वहां जो संघर्ष हुआ है उसके बारे में सभी दल मिलकर के क्या सोचे, क्या रास्ता निकाले, मतलब क्या होना चाहिए, मतलब यह होना चाहिए कि वहां शांति स्थापित हो। लेकिन यहाँ पर एक जिद यह है कि प्रधानमंत्री बोले और दूसरी तरफ जो है कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही है, जिसे पूरी तरह से साफ दिखता है
कि इस लोकतंत्र में इस जवाबदेही और जिम्मेदारी में अपनी अपनी राजनीतिक कोटियां बिछाई जा रही है। एक चीज और है, देखिए एक घंटे जब लोकसभा में कार्रवाई होती है तो लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपया खर्च होता है। पूरे संसद की कार्रवाई का 600 करोड़ रुपए का बजट होता है, यानी 100 घंटे जो है, यानी तीनों अगर सत्र मिला दिया जाए, बजट सत्र लेकर मानसून और शीतकालीन, तो केवल 100 घंटा ही जो है कार्रवाई चलती है। अब जनता की गाढ़ी चबाई, जिस देश के करीब 30 करोड़ लोग जो है गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन लोगों के पैसे से, टैक्स से, चाहे जिस रूप में देते हो, टैक्स डायरेक्ट देते हो इनडायरेक्ट देते हो, उस पैसे का इस तरह से दुरुपयोग जो है, देश के चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के लोग हो, जिस तरह से ये माहौल बना रखे है सर्वोच्च पंचायत का, जिसकी अपनी एक गरिमा है। आपने बिल्कुल सही शुरू में कहा कि क्या जवाहरलाल नेहरू जी या जो तमाम संविधानविद थे, क्या इसी दिन के लिए ये संसद का गठन किए थे? संसदीय परंपरा को देश आजाद हुआ था। कि आप जो है किसी मसले पर बात विचार विमर्श करने के बजाय केवल अपनी जिद की स्थिति को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, मेरा मानना है कि सरासर गलत है। और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी वह जो है जितना सत्ता पक्ष की होती है उतने विपक्ष की भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही तरीके से आपने इस बात को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। नावेद शिकोह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा अहलावत जी, आपसे शुरुआत करूंगी मैं। विपक्ष के होने के नाते जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार हंगामा चल रहा है, संसद की कार्रवाई नहीं हो पा रही है, ये जिद पर अड़ जाना कि प्रधानमंत्री अगर बात नहीं करेंगे तो हम संसद को चलने नहीं देंगे, ये कैसी न्याय संगत बात हुई? इससे तो टाइम खराब हो रहा है, जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है और इस पर चर्चा भी नहीं हो पा रही है। देखिए, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि जब 2012 में 13 में निर्भया केस हुआ था तो मनमोहन जी से क्या उम्मीद थी विपक्ष की। तो उस वक्त सभी कि जो उम्मीद थी विपक्ष की, आज भी वही है। उस वक्त भी मनमोहन सिंह जी बोले थे, बल्कि बोले नहीं थे, उन्होंने पूरे देश को इस मामले के ऊपर एक मैसेज किया था। तो मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री आज मोदी जी हैं। पहली बात तो 78 दिन तक उनकी जो चुप्पी है, और ये जानते हुए, ऐसा तो नहीं कि उनके ड्रोन ने उनको बताया नहीं होगा क्या हो रहा है मणिपुर में, पता तो उन्हें सब था। लेकिन मणिपुर में इंटरनेट बैन लगाया गया, और इस नरसंहार को और ये जो सेक्सुअल एक्सट्रीम सेक्सुअल वायलेंस हुआ है विमेन के अगेंस्ट, इसको छुपाया गया, तो ये एक बहुत संगीन बात है। और इस पे तो जो प्रधानमंत्री हर बुलेट ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे हैं, क्रेडिट लेते हैं हर चीज का, क्या वो जिम्मेदारी नहीं लेंगे? उनके लिए ये बात जरूरी नहीं है कि महिलाओं के साथ जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं, क्या उन्हें ये मामला इतना महत्वपूर्ण नहीं लग रहा कि वो खुद आकर इस पे ट्वीट करें या बात करें? एक वीडियो वायरल होती है, विपक्ष का दबाव बनता है, तब वो संसद के बाहर। मनीषा जी, बात करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बात तो यहाँ पर इस बात की हो रही है कि राजस्थान, अगर हम राजस्थान और बंगाल की हिंसा का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं, या राजस्थान में जो घटना हुई हम उस पर बात क्यों नहीं करना चाहते? विपक्ष ये दोगलापन क्यों कर रहा है? महिलाएं तो समान है ना, ये महिलाओं में अंतर क्यों? बंगाल में और राजस्थान में 78 दिन से बैन लगा हुआ इंटरनेट पे, या वहां पर नरसंहार हो रहा है, या वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, या वहां पर 24 घंटे के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया गया है, तो विपक्ष जरूर बोले। नहीं तो विपक्ष सिर्फ खाली नाचने गाने के लिए थोड़ी ना बोलेंगे, वो तब बोलेंगे जब सत्ता पक्ष अपनी जिम्मेदारी भूल जाए, उनको याद दिलाए। और ये मामला इतना संगीन है कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं होनी चाहिए? ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। मैं समझती हूँ कि इस पे बहुत ही एक बेशर्मी वाला इन्होंने रवैया अपनाया हुआ है, और अब क्या कह सकते हैं। ठीक है, वापस आती हूँ मैं आपके पास। चितरंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर महिलाओं में फर्क क्यों? अगर मणिपुर में जो हुआ, अगर हम उसका विरोध कर रहे हैं, तो राजस्थान में जो महिला के साथ हुआ उसका विरोध क्यों नहीं कर रहा विपक्ष? और अगर उसी की सरकार के मंत्री, अगर एक सेकेंड मनीषा जी, मैं वापस आऊंगी, ये चितरंजन जी से सवाल है मेरा, कि एक नहीं रख सकते, ये अलग अलग किस्से हैं, अलग है, बिल्कुल विरोध करेंगे, लेकिन अगर एक्शन नहीं लिया जाएगा तभी तो विरोध करेंगे। या हर
हिंदुस्तान में रोज रेप होते हैं क्या, हर जगह जाके विपक्ष? मनीषा जी मैं वापस आती हूँ, जरा चितरंजन जी से जवाब ले लेने दीजिए प्लीज। चितरंजन जी देखिए मेरा यही सवाल है कि आखिर क्यों, अगर अपनी ही सरकार के खिलाफ कोई सवाल खड़े करेगा तो हम उसे बर्खास्त कर देंगे? अनम्यूट कीजिएगा चितरंजन जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। चितरंजन जी एम आई ऑडिएबल? ठीक है वापस मैं चितरंजन जी की तरफ जाऊंगी, उससे पहले हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं अभिमन्यु जी। अभिमन्यु जी देखिए राजस्थान में जब राजेंद्र गुड़ा जी अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हैं तो वहां पर आप उनको निष्कासित कर देते हैं, और संसद में आप चाहते हैं कि वहां पर प्रधानमंत्री आकर मणिपुर पर बोले। देखिए बात जायज है, जरूर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी बात है, मैं एक ये नहीं कहती हूँ कि विपक्ष को संसद में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जब अपनी ही सदन में सवाल उठते हैं तो उस वक्त मंत्री को निष्कासित कर देना कहाँ का न्याय है? देखिए राजस्थान में जो घटना है वो अपराध है, और राजस्थान के अलावा चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, या उत्तर प्रदेश में भी कहीं कुछ महिलाओं के खिलाफ अन्याय हो या इसी तरीके का कोई अन्याय हो तो वो अपराध है। लेकिन जहां तक मणिपुर की बात है, मणिपुर में पिछले 80 दिनों से दंगा हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं, इसके अलावा उसके बारे में चर्चा नहीं हो पा रही। और आप तुलनात्मक अगर ये रवैया अपनाएंगे तो कैसे न्याय मिलेगा मणिपुर की बहन बेटियों को? मणिपुर भी भारत का हिस्सा है, और योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से दो महिलाओं को नग्न करके घुमाया, बलात्कार किया, हत्या हो गई, क्या उस पर एक शब्द प्रधानमंत्री साहब या गृह मंत्री जी नहीं बोल सकते? ये अपनी तरफ से बाहर मीडिया के सामने तो कह देते हैं कि हम सदन में चर्चा चाहते हैं, पर सदन में जो इंडिया वाले सभी दल हैं उनकी जब मांग होती है उस मांग को नामंजूर कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम दल, इंडिया वाले दल ये मांग कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मणिपुर के मसले पर सदन में बयान हो और उसके बाद दोनों सदनों में चर्चा हो, लेकिन ये उसको नामंजूर कर रहे हैं। आखिरकार ऐसी क्या बात हो गई है कि 80 दिन से प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल पाए उस मुद्दे पर? और चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे चीन की अतिक्रमणकारी नीति की बात हो, चीन से एक्सपोर्ट क्यों बढ़ रहा है उसकी बात हो, चाहे उड़ीसा रेल हादसे की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, चाहे महिला आरक्षण बिल की बात हो, चाहे अडानी की बात हो, तो सरकार तो कभी भी नहीं बोली है और ये आवाज बंद कर देते हैं। जब सदन में विपक्ष के नेता आवाज उठाते हैं माइक म्यूट कर देते हैं। राहुल गांधी जी तक की सदस्यता इसलिए चली गई, बंगला खाली करा लिया गया। तो देखिए मणिपुर का मामला अगर इस तरह से कंपेयर करेंगे तो वो अन्याय है उन बहनों के साथ। हम कहना चाहेंगे कि कहीं भी प्रदेश में ही नहीं, देश भर में भी कोई अन्याय हो तो अन्याय तो अन्याय है। राजस्थान में जिस तरह से घटना घटी वो निंदनीय घटना है, लेकिन जो अपराधी है उन पर कार्रवाई की गई। मणिपुर में ये कार्रवाई नहीं हुई, 80 दिन से नहीं हुई, और मुख्यमंत्री जी के जो बयान आए मणिपुर के तो उन्होंने उसे आम घटना बताया, ऐसे तो घटनाएं होती रहती है, तो बहुत शर्मनाक घटना है वहां। मुख्यमंत्री का फेलियर है, सरकार को उनसे बर्खास्त करना चाहिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नहीं तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। ये संदेश सरकार का अच्छा नहीं जा रहा है, और आप हमेशा विपक्ष को कोसते रहे, हमेशा कांग्रेस पार्टी को कोसते रहे, हमेशा नेहरू जी तक को कोसते रहे, तो ये ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सदन में बैठे हैं, सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं, अगर आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बनाए रखने के लायक नहीं है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। ठीक है हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और मंथन में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्या संसद और सदन में बोलना मना है। अगर आप अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, और अगर आप सत्ता पक्ष से सवाल पूछते हैं तो भी आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। यानी कि सच बोलने की सजा सिर्फ एक है कि आपको सदन या संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चितरंजन जी क्या आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है चितरंजन जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है।
मैं यहाँ पर रुक करना चाहूंगी अरविंद जी आपका। मेरा सवाल आखिर यही है कि क्या सदन में बोलने की सजा मिलने लगी है कि अगर आप सच बोलेंगे या आवाज उठाएंगे तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और बिना सोचे समझे सीधे आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा? देखिए, जो अभिव्यक्ति के या जो जो विचारों को रखने की जो आदर्श स्थिति होती है, वह चाहे विधानसभा हो या संसद हो, उसको अलग अलग फ्रेम में रख करके नहीं परखा जा सकता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हर जगह सर्वमान्य होती है और उसको जो है यह मान करके कि नहीं, राजस्थान में जो है एक जो मंत्री थे उनको निष्कासित कर दिया जाना जो है वह बेहतर स्थिति है और संसद में न बोलने देना जो है वह गलत है, यह दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। आप या तो फंस सकते हैं या गाल फुला सकते हैं, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। तो इस जो ये जो नैतिकता के उच्च आदर्श है, इसको आप जो है अलग अलग फ्रेम में न रखिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बेशक मणिपुर का मसला जो है बहुत ज्वलंत मसला है, विपक्ष को इसको सरकार जो चाहे वो राज्य सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो उस पर जो है सवाल दागना ही चाहिए, भाई आप 70 दिन 80 दिन से क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि मणिपुर की जो जातीय संघर्ष है उसका एक अलग फ्रेम है और वहाँ जो महिलाओं के साथ जो है रेप हुआ है, उस रेप को आप यह कह दीजिए कि नहीं, राजस्थान में जो रेप हुआ वो अलग हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है अलग हुआ है, उसको जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। क्या आप महिलाओं को विभाजित कर रहे हैं? क्या उनकी मर्यादा गरिमा राजस्थान की महिला की अलग है और मणिपुर की महिला की अलग है? क्या उस पर विचार क्यों नहीं होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, बिल्कुल जो है वो जातीय संघर्ष, जैसे मैतेई समुदाय को मान लीजिए कि अगर जो है एसटी का दर्जा मिला है, ठीक है, प्रतिरोध का प्रस्तावना बड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वहां के जो नगा है, कुकी है, हिंसक वातावरण पैदा किया, रजकता किया, एक दूसरे पर हमला किया, बेशक वहां की सरकार की जिम्मेदारी है और मुझे लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं वो चुप हुई है और ऐसे मुख्यमंत्री को 2 मिनट भी नहीं जो है पद पर रहने देना चाहिए जो स्थिति को न संभाल पाए। लेकिन सवाल इतना भारी नहीं है, सवाल जो जिस तरह से इसमें जो है महिलाओं के साथ जो जाति है उसको उछाल करके इस पर राजनीति को जो है रोटियां सेकी जा रही है, तो स्वाभाविक रूप से सवाल तो उठेगा ही कि मणिपुर ही को राजस्थान में क्यों नहीं। आप कैसे कह सकते हैं कि राजस्थान की महिला के साथ जो हुआ वह जो है मणिपुर की महिला के साथ अलग हुआ, ये कदापि स्वीकार्य नहीं। अच्छा, एक चीज और है, देखिए आप बात नहीं करना चाहते हैं, आप उस मसले पर क्या स्थिति है, सरकार के कोई लोग भी पक्ष का आप करेंगे 267 के तहत होना चाहिए। आपका मकसद जो है, देखिए बिल्ली काली हो या सफेद हो, चूहा पकड़ जाना चाहिए, सवाल संसद में गूंजना चाहिए और उसका उत्तर भी होना चाहिए, लेकिन आप यह कह दें कई जी। ठीक है, मैं वापस आती हूँ अरविंद जी आपके पास। नवेश शिको जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी बिल्कुल। नवेश शिको जी, देखिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर अरविंद जयतिलक जी ने भी इस बात को कहा कि आखिर महिलाओं का विभाजन क्यों, महिलाओं के साथ अगर रेप हुआ, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो बंगाल हो और चाहे वो मणिपुर हो, अपराध तो अपराध होता है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी कहीं ना कहीं ये गंभीर मुद्दा है। तो अगर विपक्ष मणिपुर का जिक्र कर रहा है तो विपक्ष राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा और क्यों इस पर बात नहीं करना चाहता? मनीषा जी ने अभी यहाँ पर साफ कहा था कि मणिपुर का मसला अलग है। मणिपुर का मसला कैसे अलग है अगर महिला की सुरक्षा की बात करें? मनीषा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले नवेश शिको जी। जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत जायज है, ये बात सही है कि रेप कहीं का भी हो, महिला अपराध कहीं भी हो, महिलाओं का उत्पीड़न या महिलाओं का सम्मान कहीं भी ना हो, कहीं भी हो रहा हो, आज कहीं अपमान हो रहा हो, तो उसके खिलाफ आवाज उठना ही चाहिए, चाहे वो संसद हो, चाहे वो सड़क हो। जहां तक सवाल इस बात का है कि कहाँ का सवाल उठता है और कहाँ का सवाल नहीं उठता है, तो सत्ता पक्ष को कम से कम ये सोचना चाहिए है कि मणिपुर का सवाल उठाने वाले विपक्षियों के सवाल का स्वागत करें और इस बात के लिए अब महसूस करें कि केंद्र सरकार की कहीं ना कहीं कमी भी थी, एक चीज। दूसरी बात, अगर राजस्थान का सवाल उठाया जाए कि राजस्थान में भी कोई रेप की घटना हुई थी या कांग्रेस शासित किसी राज्य में भी अगर घटना हुई थी, तो ये जिम्मेदारी भी वहां पर के विपक्ष के ऊपर पड़ती है कि उसको भी उसी तरीके से हल्ला मचाना चाहिए था। अगर राजस्थान के किसी रेप के ऊपर उस शिद्दत से हल्ला नहीं उठा जिस शिद्दत से मणिपुर के मामले के ऊपर उठ रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी के ऊपर आती है।
कि आपने विपक्षी भूमिका में या सत्ता पक्ष में रहकर भी राजस्थान की महिलाओं को पूरे तरीके से न्याय नहीं दिया। उड़ीसा का जहां तक सवाल है, ये पूरे देश के मन में कचोटने वाली एक घटना है जो इंटरनेट के माध्यम से पूरे देश में वायरल हुई और ये पता चला कि इस चीज को दबा के रखा गया था। कई महीने तक हिंसा होती रही, महिलाओं का अपमान होता रहा, महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा, रेप होता रहा और कहीं ना कहीं ये बात दबी रही और उसको केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने उस शिद्दत से नहीं लिया। इस बात को लेकर जनता में एक उबाल नजर आया है। राजस्थान की घटना हो या कांग्रेस शासित किसी भी राज्य की घटना हो, निंदनीय है। हाँ, मैं इसके बाद चित्रंजन जी आपके पास ही आते हो। मेरे कहने का केवल ये मतलब है कि आवाज अगर राजस्थान की नहीं उठ रही है तो आप उठाइए। जो लोग कह रहे हैं नहीं उठ रही है, आप उठाइए, वो नहीं उठा रहे, वो मणिपुर की उठाए और आप राजस्थान की उठाए। नवेद जी, लेकिन आप इस बात से भली भांति परिचित होंगे कि राजेंद्र गुड़ा जी को अपनी ही सरकार पर सवाल उठाने के लिए निष्कासित कर दिया गया। चित्रंजन जी, इसके बाद मैं तुरंत आती हूँ आपके पास। नवेद जी, बिल्कुल, ये प्रश्न है। अगर विपक्ष सवाल नहीं उठा रहा था तो सत्ता पक्ष ने सवाल उठाया और सत्ता पक्ष के जिस व्यक्ति ने सवाल उठाया उसे निष्कासित कर दिया गया। हाँ बिल्कुल, सत्ता पक्ष के अगर किसी ने वहां पर सवाल उठा और निष्कासित कर दिया गया। ये जो भी ये सारे रिएक्शंस जो है, ये सारी जो घटनाएं हैं, इससे ये जरूर पता चलता है कि महिला अपमान को देश संसद और सड़क बर्दाश्त नहीं करेगी। एक बात को याद रखिए, ये घटना यहाँ हुई, वहां पर वो घटना हुई, उस राज्य में वो घटना हुई, ये सारे चीजों को आप वर्गीकृत मत करिए। आप इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी घटना, दिल्ली की वो रेप घटना हो सकती है जिससे पूरी सरकार चली गई थी, दिल्ली में भी एक रेप ही हुआ था, बहुत दर्दनाक रेप हुआ था। रेप बहुत सारे होते हैं, बहुत दर्दनाक होते हैं, देश को खटकने वाले होते हैं, शर्मनाक होते हैं, बड़ा जघन्य अपराध है। पूरा देश चाहता है, सब समाज चाहता है कि रेप कतई नहीं हो, अगर रेप हो तो उससे जुड़े हुए लोगों को फांसी पर लटका दिया जाए। लेकिन एक रेप ने सत्ता की चूल्हे हिला दी थी, आपको मानना पड़ेगा। नवीन जी, मैं वापस आती हूँ, जरा चित्रंजन जी का रुख कर लेते हैं। चित्रंजन जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप अपना जवाब दे सकते हैं। देखिए, दो सवाल आपके हैं। पहला सवाल तो यह है कि मणिपुर में जो घटना घटी, तो फिर जो है सो दूसरे प्रदेश में राजस्थान में जो घटना घटा, फिर उसकी चर्चा क्यों नहीं कर? पहला सवाल आपका है। दूसरा है कि राजस्थान में जो मंत्री इस्तीफा दिए और क्यों उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया? चित्रंजन जी, मैं दूसरे सवाल को जरा करेक्ट कर देती हूँ कि राजस्थान में मंत्री को निष्कासित करना और संजय सिंह को निष्कासित करना, इसका मतलब सच बोलने की सजा मिलती है? नहीं, सुन लीजिए स्पष्ट। पहली बात तो राजस्थान में जो मंत्री को निष्कासित किया गया, बर्खास्त किया गया, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेवारी हो। आप मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल में कोई अगर एक सदस्य बोलता है तो वह सरकार का भ्रष्ट माना जाता है। इसलिए वह मंत्री को वह जो है बोलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, इसलिए वहां पर मुख्यमंत्री ने जो भी कदम उठाया वह सही है, वैधानिक रूप से और नैतिक रूप से वह सही है। इसलिए उस पर कोई अगर सवाल उठा रहा है तो निश्चित रूप से वह जो है घोर मठा करने का काम कर रहा है। दूसरी बात, मणिपुर और दूसरे राज्यों की तुलना करते हैं, बड़ी आश्चर्य होता है जब यह एक वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद में जब यह सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी उस पर जब बोल रहे, इतना आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की चर्चा करते करते उसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान ले आए। उसमें भी थोड़ी ईमानदारी पर अगर माने आदमी महसूस करता, यदि उसके साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी अगर वे जोड़ते तो माना जाता कि कुछ ईमानदारी उन्होंने बढ़ता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, महिला का कहीं भी उत्पीड़न है उस घटना की निंदा होनी चाहिए, जो कोई भी उसमें शामिल है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मसला का तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। जिस दिन वीडियो वायरल हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे थे उसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो हम लेंगे, सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ेगा। उस दिन की घटना आप देखिए, एक तरफ वह वीडियो वायरल होता है और उसी दिन
उसी दिन एक ऐसे सांसद को जिसके ऊपर महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप है, जो विश्व चैंपियन जो हमारी महिलाएं हैं, जो पदक लेकर देश का नाम रोशन की हैं, उनके साथ छेड़खानी का आरोप है, और पुलिस तो कोर्ट में सीधे कह देती है कि यार हमको कुछ नहीं करना, अब बताइए। और वह जो है सो माननीय सांसद जिन पर महिलाओं के साथ छेड़खानी का आरोप है, हंसते हुए ठिठोली करते हुए जो है सो आराम से निकल जाते। तो यह घटना देखिए। दूसरी घटना उसी दिन जो बलात्कार और हत्या के मामले में जिनको आजीवन कारावास का सजा मिला है, जिस राम रहीम उनको उस दिन पैरोल पर रिहा किया जाता है, 2.5 साल में 7वां बार उनको उस दिन पैरोल पर रिहा किया गया। अब आप सोच लीजिए, जो लोग यह सवाल उठाते हैं महिलाओं पर, बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग सवाल उठा रहे हैं जो कि सबसे घृणित, इस देश के इतिहास का सबसे घृणित कांड जो हुआ गुजरात का, और जिसमें 11 लोगों ने सामूहिक रेप के जो आरोपी थे उन्हें जब जेल से रिहा किया गया तो उन्हें माला पहनाया गया, मिठाइयां बांटे गई, उन्हें महिमा मंडित किया गया। जिन लोगों द्वारा वे लोग जो महिला पर सवाल उठाते हैं, बड़ी आश्चर्य होता है। और मणिपुर की घटना आप देख लीजिए, मणिपुर की घटना कोई साधारण घटना नहीं, यह असाधारण घटना है, और न केवल भारत के लिए, पूरे देश के लिए, कई मायने महिलाओं का ही सवाल है। तो एक वीडियो वायरल हुआ था, 2 महिलाएं उसमें थी, और उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं कि अब तो जो ऐसे सैकड़ों घटनाएं यहाँ पर घटी। आप सोच सकते हैं कि जहाँ के मुख्यमंत्री खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहा कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं घटी, और सच्चाई है जब वहां के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद है, किसी कैसे न कैसे एक वीडियो वायरल हो गया जिस पर लोग वहां की स्थिति को समझ पाए। अब आप बता सकते हैं उस मणिपुर की तुलना आप जो है सो कर रहे हैं राजस्थान की या दूसरे राज्यों की, जहां पर कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, वो तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, वहां पर स्पष्ट रूप से दो समुदायों के बीच में लड़ाई, दो समुदायों के बीच में लड़ाई है, वो देश की एकता और अखंडता पर सवाल खड़ा। ठीक है चित्रंजन जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। मनीषा अहलावत जी क्या कहना चाहती है? साधारण तौर पर ले सकते हैं। ठीक है चित्रंजन जी, मैं इसके बाद आती हूँ आपके पास। नहीं सुनिए थोड़ा सा, और मुझे लेट हुआ है जुड़ने में। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जब सदन के बाहर, जब सदन उसी दिन सदन शुरू हो रहा है, तो यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ये सदन के बाहर बयान दे रहे हैं। तो सदन के अंदर बोलने में उनका कौन सा क्या शर्म महसूस हो रही है सदन के अंदर में बोलने में? ये 80 दिन से ऊपर तक जो है सो घटना घटी यहाँ पर चल रहा है मणिपुर, एक लाइन एक ट्वीट आपके आपने नहीं किया, एक जवान आपके मुंह से किसी का जवान नहीं खुला, और उसके बाद जो है 80 दिन के 77 दिन के बाद आप बोलते हैं उसको, तो उसको डायल्यूट करने का प्रयास करते हैं। और पार्लियामेंट में जब यह मांग किया जाता है कि 267 नियम के तहत आप चर्चा करवाइए, तो आप जो है लोगों को धोखा देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि केवल खानापूर्ति हो जाए। अगर आपकी थोड़ी भी संवेदनशीलता है महिलाओं के प्रति, थोड़ी भी, मैं नहीं उन घटनाओं के प्रति याद दिलाना चाहता हूँ जो कई जगह घटे भाजपा शासित प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में। आपने निर्भया कांड को सुना हो, निर्भया कांड के बाद आप याद कीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्षमा मांगने का काम किया था उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने। उन्होंने कहा कि मुझे हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं उस पीड़ित बच्ची के पास जाऊं। ठीक है और चित्रंजन जी मैं वापस आती हूँ, मनीषा अहलावत जी भाषण देते हैं कि दो बात बोलना चाहती हूँ। जब से मणिपुर की वीडियो बाहर आई है तभी से बंगाल और राजस्थान की बात हो रही है, और ये त्यागी जी ने भी बहुत सही कहा था कि वो जो विपक्ष है वहां पर, सॉरी शिकोर जी ने कहा था जो विपक्ष है वहां पर, वो इतने अगर 4 साल से इतने कांड हो रहे थे, ऐसे अपराध हो रहे थे,
तो वहाँ भाजपा विपक्ष में है, इन्होंने तब क्यों नहीं उठाए वो मुद्दे? और अगर वहाँ इतने बुरे हालात हैं तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री वहाँ पर गवर्नर्स रूल लगा देते, प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए ना? हम तो कह रहे हैं मणिपुर में भी सीएम को बर्खास्त करिए, क्यों नहीं कर रहे? तो कहीं तो एक्शन ले। अगर इतने खराब हालात हैं कि जिस भी राज्य में खराब हालात हैं, प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ एक्शन तो ले सकते हैं। एक्शन नहीं ले रहे हैं, संवेदना नहीं दिखा रहे हैं, ना इनकी नेशनल कमीशन फॉर विमेन की जो हेड है उनको 40 दिन पहले ईमेल से उनके संज्ञान में आया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। कम से कम वो जाकर वहां पर पीड़ितों से मिल सकती थी, संवेदना दिखा सकती थी, नाटक बना सकती थी, कोई नहीं गया। स्मृति ईरानी जी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, नहीं गई। एक वायरल होता है वीडियो, उसके बाद क्या हमारी सरकार इतनी अंधी और कमजोर है कि उनके पास प्रदेश में क्या हो रहा है 80 दिनों से उनको नहीं था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी? क्या पुलिस वहां की, कोई विभाग इनको कोई रिपोर्ट नहीं देते हैं? मोदी जी कहते हैं मैंने ड्रोन लगा रखे, मुझे सब पता लगता है। तो ड्रोन लगाने के बाद जब इनके पास सारी इंफॉर्मेशन थी, फिर भी ये विदेश गए, विदेश में जाके योगा के इवेंट कर रहे हैं, इनको बिल्कुल कोई बहुत ही ऐसे लग रहा है बहुत असंवेदनशील एक सरकार है। और ये सरकार बलात्कारियों को संरक्षण दे रही है, उनको संरक्षण नहीं उनको सम्मान दे रही है। तो ये एक समाज में एक ऐसा माहौल हो गया है कि ये सब अब चल रहा है। देखिए निर्भया जो केस हुआ था, सारी जनता सड़कों पर आ गई थी, इसमें कहीं ना कहीं मीडिया का भी दोष है कि वो मीडिया भी उस तरह से नहीं दिखा रही है। एक वायरल वीडियो के बाद ये चर्चा का विषय बना है, क्या मीडिया भी कहीं जाकर इनके रिपोर्टर कहीं जाते हैं? हाँ, इसके बाद अभिमन्यु जी आती हूँ मैं आपके पास, ठीक है? देखिए मनीषा जी, मैं वापस आऊंगी। अभिमन्यु जी देखिए, पहला सवाल तो मेरा ही है, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, राजेंद्र गुढ़ा जी जो हैं वो रो रो कर, मैंने भी उनकी एक बाइट दिखाई थी, वो रो रो कर एक लाल डायरी लेकर घूम रहे हैं और उन्होंने कहा है कि इस लाल डायरी में काला चिट्ठा है और मैं वो उजागर करना चाहता हूँ, इस पर क्या कहना चाहते हैं अभिमन्यु जी? मनीषा जी, आप तो इस डिबेट पे भी नहीं बात करना चाहती, राजस्थान पे आप चाहती कि हम सिर्फ मणिपुर पर बात करें, तो सोचिए सदन में क्या चल रहा होगा। अभी मैंने कही है, हम हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई, आप गवर्नर रूल लगाइए, बर्खास्त करिए राजस्थान की सरकार को, इतने बुरे हालात है वहां पर, तो अभिमन्यु की सरकार को भी बर्खास्त करिए। मनीषा जी रुके, अभिमन्यु जी देखिए, हम कहना चाहते हैं हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं इस मामले पे चर्चा करने के लिए, अपराधियों पर कार्रवाई ना हो तो बात है, तो हो हल्ला हो। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुलदीप सेंगर का मामला उठा और रेप के अक्यूज थे, स्वामी चिन्मयानंद पे यौन शोषण का आरोप रहा, इसी तरह कठुआ में मंत्री थे लाल सिंह और चंद्र प्रकाश गंगा, त्रिपुरा में इनके सरकार के मंत्री के पुत्र थे, 2014 में जब केंद्र सरकार बनी तो निहाल चंद मेघवाल केंद्रीय मंत्री बने, इस तरह अनेकों मामले, बिल्किस बानो का मामला था जिसमें जो 11 रेप एक्यूज थे जब वो रिहा हुए तो उनके गले में फूलमालाएं पहनाई गई, ढोल बजाए गए, तो ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। अब जी 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 साहब, अब हम बात करते हैं विपक्ष की क्या मांग है। विपक्ष की सिंपल मांग है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में गंभीरता के साथ मणिपुर की बहन बेटियों के लिए, मणिपुर के सम्मान के लिए और पूरे देश की जो बहन है, हमारी माताएं हैं, उनके सम्मान के लिए बयान दें जिस पर सदन में चर्चा हो, तो ये लोकतंत्र में अधिकार है। इसके पूर्व में भी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, माफ कीजिए, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जब चेयरमैन थे तो उस दौरान भी ये मामला आया इस तरीके का और सदन में चर्चा हुई। ये मामला है 1992 का, भैरव सिंह शेखावत साहब जब वो चेयरमैन थे राज्यसभा के 2004 में, तब इस तरीके के तीन मामले आए, तीन मामले स्पेशल क्रिटिकल पब्लिक इंपोर्टेंस के थे तो सदन में अलग से चर्चा हुई। इसी तरह 2013 से 16 के बीच में डॉक्टर हामिद अंसारी साहब, वो उस दौरान चेयरमैन थे राज्यसभा के, उन्होंने 4 बार डिस्कशन करा क्रिटिकल मामले पर, तो ऐसा पहली बार नहीं होना चाह रहा। प्रधानमंत्री साहब अपनी जिम्मेदारी से ना बचे, मणिपुर की बहन बेटी भी हमारी भी बहन बेटी है, और कहीं भी अन्याय हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, देखिए सेलेक्टिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। आप भी जानती हैं कुलदीप सेंगर को, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे अच्छा लगा आपने
भाजपा को कटघरे में रखा है कई बार, तो मैं आपको इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के मन से, कुलदीप सेंगर को ये लोग अपना नेता तब तक मानते रहे जब तक कोर्ट ने उनको दोषी नहीं मान लिया और वो हत्या पे हत्या कराते रहे। तो ये इनका चरित्र है। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या हुई और जब हत्यारे रिहा हुए तो उनके गले में भी फूल मालाएं थी और ढोल बजाए जा रहे थे बुलंदशहर में। उनकी विधवा आज भी चक्कर काट रही है। तो ये इनकी सरकार में हुआ, ये इनका चरित्र है। पुलिस पीटी जा रही है जगह जगह। मेरठ में एक राज्य मंत्री है मेरठ से सिक्का, वो रेप एक्यूज है, उनपे आज तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आप देखें इनके नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी आरोप है। तो ये भाजपा का चरित्र है। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पे तमाम जो जो आरोप लगे इन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों तक पे भी कार्रवाई करी और आज देखें वो सब बाइज्जत भरी है, इनकी सरकार में बाइज्जत भरी हो गई क्योंकि वो आरोप ही झूठे थे। अभिमन्यु जी देखिए, जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब खैर आपने मुझे अभी तक नहीं दिया, मैं वापस आऊंगी और आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अरविंद जी का रुख करना चाहती हूँ मैं। अरविंद जी, अगर हम बात करें तो विपक्ष कह रहा है कि अगर आप सदन के बाहर खड़े होकर बात कर सकते हैं तो सदन के अंदर बोलने में क्या दिक्कत है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अभी आदरणीय चितरंजन जी बहुत विद्वान प्रवक्ता भी हैं और अच्छे नेता भी हैं, मैं जानता हूं। लेकिन अभी जिस तरह उन्होंने अदालत के मसले को लेकर के कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे उसी दिन जो है एक जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा था, दरअसल उनका इशारा ब्रजभूषण शरण सिंह के तरफ था, तो मुझे लगता है कि देखिए पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। आदरणीय चितरंजन जी, आपकी सरकार तो आनंद मोहन जो कि एक जिलाधिकारी की हत्या में अभियुक्त भी था, सजा भी काट रहा था, उसको छुड़ा के ले गई, तो कम से कम नैतिकता की बात तो आपके पार्टी के मुंह से आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। जो आदमी जो है दलित जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की हत्या में शामिल था उसको आप लोग माफ कर देते हैं और आप कहते हैं कि जो है ब्रजभूषण बेशक अगर आरोपी है अभी जिस दिन अपराधी हो गए उस दिन जो उनको सजा मिलनी ही चाहिए, मैं सबसे पहले कहूंगा कि उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की दो धारी जो है बात नहीं होनी चाहिए। कम से कम जी पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, एक चीज और, आदरणीय अभी त्यागी जी बोल रहे थे, मुझे याद है कि इसी उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर था, मैं नाम नहीं लूंगा, इन्हीं की पार्टी की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता थी जिनके साथ इन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छेड़खानी की। उन्होंने कांग्रेस के हाई कमान से कहा कि इन लोगों को पार्टी से निकाल दिया, मेरे साथ सरेआम छेड़खानी हुई है और वो सभा में हुई थी, मीटिंग में हुई थी, लेकिन ये लोग उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ और वो शिवसेना में चले गए। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, कुछ मुकदमा किया, सुन लीजिए, मुकदमे की बात करी है, वो शिवसेना में चले गए, यूपी सरकार कोर्ट में गई। मैं आपके बाप को समर्थन किया आपने क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या मुकदमा दर्ज किया आपने क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नहीं क्या यह सही नहीं है कुछ होता है उसका भट्ट नही
बिल्कुल देखिए अभिमन्यु जी, अरविंद जी, बात सिर्फ महिलाओं के हक की है। और चितरंजन जी अपनी बात को पूरा करिए, इसके बाद नावेद जी मैं आपके पास आती हूँ। चितरंजन जी, मैं कह रहा हूँ कि निर्भया कांड जब दिल्ली में हुआ था, उसके बाद जो है पॉक्सो एक्ट बना, उसमें जो है संशोधन किया गया कि महिलाओं को अगर आप छूते भी हैं तो आप पॉक्सो एक्ट में आए, और पॉक्सो एक्ट में सीधा है कि तुरंत उसकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसको बेल का सवाल नहीं। लेकिन ब्रजभूषण जी पर जो आरोप लगा उसके बावजूद पुलिस ने गिरफ्तारी की बात छोड़ दीजिए कि बेल के लिए जब गए तो जो है कुछ कहा कि हमें कुछ नहीं करना है। अब यह जो है ऐसे लोग अगर जैसे महिलाओं के बारे में बोलते हैं, इनका सोच जो है सो जो है सो क्या है, मैंने मैं नहीं विशेष उदाहरणों में जाना चाहूंगा, लेकिन एक चीज इतना जरूर है कि मणिपुर के मामला को 80 दिन तक दबाने का दोषी कौन? वहां के महामहिम राज्यपाल का बयान देखिए, राज्यपाल महोदया महिला है, उनका जो आप स्टेटमेंट देख लीजिए, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट देख लीजिए, और उसके बाद 80 दिन तक इसको दबाया गया। अगर वह संयोग से अगर वह वीडियो वायरल नहीं होता तो मणिपुर में हम लोग वहां का मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसे 100
कई सौ घटनाएं घट गई। अब बताइए सुनने के बाद में देख अधिवाद आ गया, किस देश में हम लोग लड़ रहे हैं? या जो आदिम युग में चला गया देश और ऐसे लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, और किस माने शर्म आनी चाहिए कि ऐसे लोग जो है उसको थोपने के लिए कभी बंगाल तो कभी जो राजस्थान कभी छत्तीसगढ़, कहां मणिपुर कहां आप, यह लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, अब मणिपुर से तुलना कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों, जहां पर मुख्यमंत्री कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों घटनाएं घट गई है, सुनने के बाद में लगता है कि साहब इस देश में जिस देश में है कि शायद यहाँ पर नारी की पूजा होती है, आप कहते हैं कि हम सनातन धर्म को मानते हैं, सनातनी है, सनातन धर्म। देखिए चित्रंजन जी, हम इस बात को बहुत बखूबी जानते हैं कि अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसे 100 वीडियो हैं, तो मुझे लगता है जिस दिन वो वीडियो सामने आएंगे महिलाओं का विश्वास सरकार पर से उठ जाएगा, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की चीजें मणिपुर में देखने को मिल रही है या फिर कहीं भी किसी भी राज्य में अगर महिलाओं के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होगा तो जनता कतई माफ नहीं करेगी। नावेशिको जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी यहाँ पर। सदन हंगामे की भेंट हर बार चढ़ जाता है और इस बार भी मुझे लग रहा है कि हंगामे की भेंट ही सदन चढ़ने वाला है। ना विपक्ष अपनी बात रख पा रहा है और सत्ता पक्ष भी ना अपनी बात रख पा रहा है, और इस तरीके से जनता का जो पैसा है वो तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे मसले पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए निष्कर्ष निकलना चाहिए है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तू तू मैंने में अगर समय खराब हो रहा है लोग तो ये मान के चलिए कि ये बात बिल्कुल सही कि जनता का नुकसान हो रहा है, जनता के सवाल उठना चाहिए, जनता के लिए अच्छा कानून बनना चाहिए, जनता के हित की चर्चा होना चाहिए, इसलिए संसद होती है, इसलिए नहीं होती है कि सत्ता और विपक्ष के बीच तू-तुकार हो और कोई सोल्यूशन और कोई हल ना मिले। लेकिन इस बात को गहराई से अगर देखिए तो ये बात निकल के आती है कि मणिपुर वाला मामला काफी गंभीर है, इस बात को भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार भी स्वीकार किसी हद तक कर रही है। कारण क्या है कि ये भी हमारे देश का एक राज्य है, इसके अंदर जो हिंसा एक लंबे समय तक हुई और एक तरह से इसके मामले को दफन कर दिया गया, ब्लॉक हो गया मामला, खबरें बाहर निकल के नहीं आई, इंटरनेट चला नहीं, चलिए ठीक है लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये सब हुआ होगा, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इतने दिनों के बाद अगर इस तरह के दर्दनाक वीडियो सामने आ रहे हैं तो देश की जनता को कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंच रही है, और देश की जनता को अगर तकलीफ पहुंच रही है तो विपक्ष ये सवाल उठा सकता है कि देश के लोकप्रिय नेता और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री इस गंभीर विषय पर चर्चा में शामिल हो, ये सवाल जेन्युइन है और ये सवाल उठना चाहिए, लेकिन अगर वो इस पर राजी नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि संसद ठप हो जाए, लेकिन देश भी शायद यही चाहता है क्योंकि देश ने प्रधानमंत्री जी के ऊपर बहुत विश्वास किया है, और देश के जब मुश्किल घड़ी में होता है मणिपुर जैसे हालात जनता के सामने आते हैं, दिल को दहला देने वाली घटनाएं आती हैं। बिल्कुल, देखिए नवीन जी, हम उम्मीद करते हैं कि सदन में और संसद में एक सार्थक बहस हो पाएगी, इसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा। हालांकि वक्त की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मंथन में आज हम बात कर रहे हैं, क्या सदन और संसद में सच बोलना मना है? क्योंकि सच बोलने की सजा या तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मंथन में आज हमने इसी पर चर्चा की। मणिपुर की हिंसा बेहद ही शर्मनाक रही। हालांकि प्रधानमंत्री 140 करोड़ जनता के प्रतिनिधि है, तो वो मणिपुर पर ही बात नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की घटना का भी अगर जिक्र करते हैं तो जायज है, लेकिन विपक्ष को भी ये समझना होगा कि महिलाओं का मुद्दा गंभीर है। मंथन में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।